ये जिस किसी ने भी किया है वो यही तो चाहता है कि आप चीखो चिल्लाओ और इसी तरह डर जाओ। एंड आई फील जो डर गया वो मर गया। मर गया? नहीं नहीं, नहीं। तुम सबको यहाँ पे डरा रहे हो या फिर हिम्मत दे रहे? ऑफ कोर्स डरा रहा हूँ। आई मीन इनका डरना जरूरी है, तभी ने रियलाइज होगा कि जब तक इस पर खड़े हैं साइलेंटली तब तक ही सेफ है। अरे लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, कोई हमारे साथ क्यों करेगा ऐसा? ये जरूर बैड लोगों ने किया है आंटी। अरे अगर ये किसी बुरे इंसान का काम है तो फिर पुलिस को बुलाओ ना। पुलिस? नहीं नहीं नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी को बुला लो यार। अरे अरे मैं तो कहता हूँ कि पानी के टैंकर को बुलाते हैं। क्या आपको डर के मारे प्यास लग रही है मिश्रा जी? अरे नहीं नहीं करुणा जी, टैंकर से पानी डालते हैं तो ये बिछाए हुए सारे बॉम्ब गीले होके फुस हो जाएंगे। सही कह रहे हो पापा, ऐसा तो दिवाली में भी होता है। चलो 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 अपन फोड़ के देखते हैं। अरे 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 नहीं 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 रुको, फटवाएगा क्या? अरे क्या कर रहा है यार? सॉरी 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 सॉरी, ये दिवाली आंटी के शॉप के क्रैकर थोड़ी ना जो सिर्फ जलते हैं पर फटते नहीं। हाँ तो एक बार हम चेक कर लेते ना के फटाके असली है नकली। हाँ। चलो मंटू भैया आप आगे करो। अरे अरे मरवाओगे तुम लोग। एक सेकंड, किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड कॉल द अथॉरिटीज, तब तक जो जहां जैसे खड़ा है वैसे ही खड़े रहे। ओके हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ। अगर मैंने सही सोचा है तो तुम दोनों मुझे फॉलो जरूर करोगे और वही मैं चाहता हूँ। सो बालवीर आओ मेरे पीछे और बताओ मुझे अपना प्लान। अगर रहने पुलिस या आर्मी को बुला ली यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और शिंकाई वाले उसका फायदा उठाकर यहाँ पे सब पे हमला कर सकते हैं, मासूम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राइट भैया, हमें एक ही रोकना होगा। अरे सॉरी तो कहाँ चल दिए, देख नहीं रहे यहाँ कितना खतरा है? माँ वो हम रे के साथ जा रहे हैं अब पुलिस पुलिस स्टेशन गिरबड़े जी को बुलाने। हाँ, है ना? हाँ, लेकिन ध्यान से जाना। चलो रुक जाओ रे। हम नहीं चाहते कि तुम भारत नगर वासियों को बचाने के लिए पुलिस या किसी और को बुला। क्यों, तुम दोनों बालवीर हो क्या? हाँ ट्राई तो जरूर करेंगे। और कोशिश करने वाले कामयाब जरूर होते हैं। रियली? और कैसे सेव करोगे तुम सबको? तो प्लान है तुम्हारे पास? और अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी बातें बनाने से यहाँ पर किसी की जान नहीं बचेगी। हमें पता है कि ये सब जिससे भी किया है वो यही कहीं आसपास है और हम पर हर वक्त नजर बनाए हुए है। आसपास क्यों, हो सकता है तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी तो तुम पर नजर रख सकता है। आई मीन ये भी तो पॉसिबल है ना? पॉसिबल, लेकिन हमें तो ये भी लगता है कि वो हमें ब्लैकमेल करके उनसे कुछ लेना चाहता है। हाँ, इसलिए जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि लैंडमाइंस बिछाने के पीछे उसका असली मकसद क्या है तब तक हम किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ओके देन, वैसे भी भारत नगर के लोग मुझसे ज्यादा तुम्हारे क्लोज है तो ये तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें बाहर से किसी की हेल्प चाहिए या नहीं। बट हाँ, अगर यहाँ पर किसी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। विमान, मैंने एक बात तो सही कही, अगर किसी को इतने से भी खरोच है तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। अब मुझे वीर लोग जाकर परियों की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं विमान, बाल परी और ध्वनि परी बाकी परियों को उनके पुराने रूप में लाने में व्यस्त है, हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। मैं भी परिया ना हो वीर लोग में, लेकिन शौर्य तो जरूर होंगे, सो आई थिंक शौर्य हमारी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है, एक काम करो, हमारे कमरे में जो यंत्र रखा है उसकी मदद से तुम वीर लोग पहुंचो और मदद लेने की कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पे अपनों को संभालने की कोशिश करता हूँ। ओह, तो वीर लोग जाकर परियों से हेल्प मांगना नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा। गुड प्लान्स बालवे, पर एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे प्लान सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा। कि वीर लोग में रोशनी इतनी कम क्यों हो रही है?
ऐसा लग रहा है जैसे वीर लोग की ऊर्जा खत्म हो रही है। परियों, वीर लोग पे अचानक आपातकाल की स्थिति बन गई है और इसलिए वीर लोग की सुरक्षा के लिए उस पे स्वयं ही सुरक्षा कवच बन गया है। अब ना वीर लोग से कोई बाहर जा सकता है, ना यहाँ कोई आ सकता है। शौर्य, ऐसा तो तब होता है जब परितारा की शक्तियाँ कमजोर होने लगती है। शौर्य, ये परितारा का रंग पीला क्यों नहीं है? वही हुआ जिसका डर था। बालवीर की शक्तियाँ परितारा से जुड़ी हैं, इसलिए बालवीर की शक्तियाँ जाने के बाद परितारा की शक्तियाँ भी कम होना शुरू हो गई हैं। तो शौर्य, अब हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस तरह से तो हम धरती की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर ऐसा ना हो इसलिए हमें वीर तप करके इतनी ऊर्जा जागृत करनी होगी कि परितारा फिर से पूर्ण शक्तिशाली होकर पीले रंग की हो जाए। ऐसा होते ही ना सिर्फ वीर लोग फिर से ऊर्जावान हो जाएगा, दोनों बाल वीर भी अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस पा लेंगे। ठीक है शौर्य, हम वीर तप शुरू करते हैं। थैंक गॉड खुशी, तुम यहाँ सेफ हो। बाहर तुम्हारी फ्रेंड्स और मॉम डेंजर में है। क्या? नहीं मम्मी, मेरे फ्रेंड्स डेंजर में? क्या हुआ उन्हें रे भैया? खुशी, खुशी अब तुम बाहर मत चले जाना, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम वो सैड मोमेंट तो नहीं देखोगी ना, तो प्लीज स्टे हियर। क्या? नहीं खुशी, खुशी मम्मी। क्राय और प्रे छोड़ेगा नहीं रे। दीदी, दीदी, दीदी रुक जाइए, आगे लैंडमाइन है। मम्मी, मम्मी, खुशी रुक जाओ। ए, आगे मत बढ़ना। खुशी, दीदी, दीदी ये लैंडमाइन है। लैंडमाइन? नहीं दीदी, दीदी अगर आपने इस तरह से अपना पैर उठाया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्या? मम्मी, खुशी? नहीं माँ, नहीं माँ, आगे मत बढ़ना। माँ, माँ रुक जाइए। देखिए मैं खुशी के पास जा रहा हूँ, आप वहीं पे रुकिए प्लीज। खुशी बेटा, खुशी। देवू भैया। अब विवान तुम अंदर जाओ, मैं खुशी के पास रहता। लेकिन भैया, खुशी दीदी। विवान तुम जाओ। देवू भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, किसने काली मुझे लैंडमाइन से। नहीं नहीं खुशी, तुम अपना पैर थोड़ा भी मत हिलाना ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लुक ले जाने वाले टेलीपोर्टिंग हैंडल्स कहाँ का है? अबे वीर लोग कैसे जाऊंगा? भैया देखो भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी विक्र नॉट, आप बाहर आ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ इस लैंडमाइन पे। हाँ, ये क्या कह रहे हो विवान? भैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस लैंडमाइन पे मैं खड़ा हो जाऊंगा खुशी दीदी की जगह। जैसे मैं तुझे यहाँ पे खड़े होने दूंगी, है ना विवान? दीदी हो जाने दीजिए जो होना, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तू भी रोता हुआ कोई सलमान खान नहीं लगता विवान। दीदी आज बस मुझे आपका छोटा भाई बनना है, जैसे आपने अपनी हर चीज दी है। मैंने इसलिए दी क्योंकि तू हैप्पी हो जाता है विवान, तो आज मैं तुझे वो चीज कैसे दे दूं जिससे तेरी लाइफ डेंजर में पड़ जाए। दीदी
सब कहते हैं ना कि मैं बहुत लड़ता हूँ, सो आज भी मुझे इस डेंजर से लड़ लेने दीजिए प्लीज दीदी। आप बस धीरे धीरे अपना एक पाँव इस लैंडमाइन के ऊपर चढ़ाई और फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा इसमें प्लीज। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी प्लीज दीदी प्लीज। यस यू आर राइट विवान, तुम्हारा आइडिया एकदम सही है। प्रेशर हटने से लेकर इस माइंड को ब्लास्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। खुशी तुम मत जाओ, मैं तुम्हारी जगह खड़ा रहूंगा। या आप क्यों, मैं क्यों नहीं? विवान बहस मत करो, मैं खड़ा रहूंगा खुशी की जगह। भैया आप बड़े हो तो हमेशा क्या आप ही डिसाइड करोगे? नहीं आज सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी और मैं अपने लिए किसी और की लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकती विवान। लेकिन तुम दोनों मेरी बात समझो। भैया मुझे कुछ नहीं समझना है और मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। अरे देखो तुम दोनों ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अरे खुशी, अरे अनन्या दीदी। अनन्या ये क्या किया तुमने? ओह हेलो, खुशी मेरी बहन नहीं है क्या? लेकिन अनन्या दीदी अब आपकी लाइफ डेंजर में पड़ गई, उसका क्या? देखो विवान अब तो जो होना था वो हो गया अब, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह हेलो, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ डेंजर में थोड़ी डाली है, मैंने तो नकाबपोश और विवान की वजह से अपनी लाइफ डेंजर में डाली है। राइट विवान? ठीक है तो वो आएंगे तुम्हें बचाने। हाँ अब चलो चलो खुशी आराम से चलो। बालवीर जल्दी से अपनी पास यूज करो और मुझे बचा लो यहाँ से। दीदी अभी मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। वो तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये सोच के तो मैंने अपना पैर इस पे विवान, तुम्हारे पास पावर्स नहीं है अब क्या होगा? दीदी वो एक्चुअली शिंकाई विलन से लास्ट फाइट में मेरी सारी पावर्स चली गई, बट फिकर नॉट, नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे मेरी सारी पावर्स वापस मिल जाएंगी। 24 आवर्स? इसका मतलब 24 आवर्स तक मुझे यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा? नो 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 विवान, दिस इज नॉट पॉसिबल, तुम कैसे बचाओगे हम सबको? दीदी अपने बालवीर पे ट्रस्ट किया और शक्तियां हो ना हो, बालवीर इज ऑलवेज अ बालवीर। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। भैया मैंने सोच लिया है, हम सबको कैसे सेव कर सकते हैं? कैसे विवा? हमें सबको यहाँ से एयरलिफ्ट करना होगा और उन्हें ऊपर आसमान में इतना दूर ले जाना होगा कि इस लैंडमाइन का ब्लास्ट उन्हें चोट ना पहुंचा सके। ओ, और खुशी को हटाने से इतना तो पता चल ही गया कि लैंडमाइन तुरंत ब्लास्ट नहीं होता। राइट, लैंडमाइन के ऊपर से पैर का प्रेशर हटने से लेकर उसके ब्लास्ट होने के बीच में कुछ सेकंड का गैप आता है। इसका मतलब तुम्हारा प्लान काम कर सकता है विवा। यस, पर उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि लैंडमाइन के ऊपर से पैर का प्रेशर हटने से लेकर एग्जैक्टली कितने सेकंड बाद लैंडमाइन ब्लास्ट हो सकता है। विवा, ये लोहे की गेंद मैं यहाँ से उस तरफ डालूंगा और अगर बीच रास्ते में कोई भी लैंडमाइन होगी तो वो सक्रिय हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कितने सेकंड में वो ब्लास्ट होती है। ओके, संभल के। भैया लैंडमाइन एक्टिवेट हो गई है और मैंने टाइमर भी ऑन कर दिया है। तुम चाहे जो कर लो बालवीर, लेकिन बिना अपनी मैजिकल पावर्स के तुम किसी को नहीं बचा पाओगे। नहीं रे, वो सबको बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई योजना बना रहे हैं। देवू, विवान, तुम लोग ठीक हो ना? विकर नॉट माँ, हमने सब कुछ परफेक्टली टाइमिंग के साथ किया था। क्या टाइमिंग करके किया? माँ वो हमने बाकी सारे लैंडमाइंस ब्लास्ट कर दिए सेफली ताकि कोई भी और उस पे पैर रख के फंस ना सके। क्या तुम लोग क्या अपने आप को बालवीर समझते हो? अब जाओ जरा देख कर आओ पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक। अरे नेवी आर्मी जिसको बुलाना है बुलाओ, मगर जल्दी बुलाओ। ये आर्मी नेवी आया ना आए, ये बालवीर हमारी मदद करने अब तक क्यों नहीं आया? हाँ हमारी गलती रहती ना तो पनिशमेंट तो सबसे पहले आ जाते, अब कहाँ रह गए? हाँ
इस बार हार पक्की है दोनों बाल विरोप की। देखिए स्वामी, दोनों वही तो खड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे अपनों के लिए। बिचारे। अब चलो जल्द से जल्द पता करते हैं कि हम हेलीकॉप्टर कैसे मंगवा सकते हैं। धमाके का समय ध्यान में रखते हुए बालवीर जरूर कोई ना कोई योजना बना रहे हैं। You are right, Mr. P. और मुझे उनके प्लान के बारे में पता लगाना ही होगा। Brigenza, बातें बनाने के अलावा भी एक इंटरेस्टिंग काम ढूंढा मैंने तुम्हारे लिए। Let's go. ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। And that's my order. मैं तुम्हारा साथी हूँ। और कमजोर साथी मुझे पसंद नहीं। रे, 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 मैं ये करूंगा ना तो मर जाऊंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो I will kill you. दोनों बालवीर लैंडमाइन से सबको बचाने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे ये जानने के लिए अगर तुम्हें अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़े तो लगाओ। छोटे से नन्हे से प्यारे से मूंछ वाले बच्चे को बचा। अरे सुन रहे हो ना तुम, रो रहा हूं मैं। फिकर नॉट रामू काका, हम आपको जरूर बचा लेंगे। लेट्स मूव ऑन, प्रॉमिस। अरे बचा लोगे, कैसे बचाओगे? तुम विमान हो, भगवान थोड़ी ना हो, कैसे बचाओगे बताओ? अरे तुम क्या बालवीर हो? बालवीर नहीं है, पर हम आपकी मदद करने की कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश? बताओ कैसे करोगे कोशिश? ए, मैं तुम्हारे अरे नहीं 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 पैर पड़ता हूँ, तुम कोशिश कैसे करोगे बताओ? ठीक है मैं आपको प्लान बताता हूँ। हमारा प्लान सबको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाने का है। हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट? हाँ, हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा और आपको हवा में उठा लेगा, फिर आप माई से बच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। अरे लेकिन हेलीकॉप्टर को लाने से क्या होगा? यहाँ पे मेरा पैर लैंडमाइन से हटा और धमाका घटा। अरे नहीं नहीं, लैंडमाइन के ऊपर से पैर हटाने से लेकर उसके ब्लास्ट होने के बीच में 8 सेकंड्स का गैप आता है। हाँ रामू काका, और उसी 8 सेकंड में हम यानी हेलीकॉप्टर सबको उड़ा के ले जाएगा। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, धीरज रखिए और यहीं पे रहिएगा, हिलिएगा मत। नहीं 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 नहीं, चलो। अरे ये अपना प्लान मुझे बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बाल की। अब ये बहुत भारी पड़ेगा तुम पर और भारत नगर वालों पर। कौन है? हेलो, तुमने मुझे बलि का बकरा बना के अच्छा नहीं किया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। Brigenza, चलो अब मैं प्लान बनाता हूँ बालवीर के प्लान को फ्लॉप करने का। रे, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे तो निकालो यहाँ से। Not now, Brigenza. हेलीकॉप्टर लेने गए हैं ना वो। Let's see कि बालवीर सबको हेलीकॉप्टर से उड़ाकर लेकर जाते हैं या फिर रे उनके हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। ए, अरे रे, रे, ए, रे, रे, रे। हमें हेलीकॉप्टर की बुकिंग के बारे में तो पता चल गया, लेकिन परमिशन के पेपर साइन करने के लिए हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। बस स्पीच शिंगाय विलेन हम भी फिर से अटैक ना करते। राइट। राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। क्या अचानक
इतने सारे ब्लैक सर्कल्स कहाँ से आ गए? लगता है हमारे दुश्मन हमें बाहर जाने से रोकना चाहते हैं। किसी भी हाल में बाहर तो जाना ही होगा। भैया आज लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस काम आएगी इन लैंड माइंस को पार करने में। अभी तो जादुई शक्तियां नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी लैंडमाइंस के ऊपर से छलांग मारने की सोच रहे हैं। मानना पड़ेगा खतरों से खेलने का बहुत शौक है दोनों बालवीरों को। सो व्हाट मिस्टर बी, हम भी डेंजर का लेवल थोड़ा सा अप कर देते दोनों बालवीरों के लिए। यानी कि बिरबा के दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अब ये कौन सा नया गेम खेल रहे हैं ये लोग? हमारे दुश्मन हमें बाहर जाने से रोकने के लिए हर तरकीब लगा रहे हैं। पर आप विमान रुकेगा नहीं। नहीं विमान रुको, यहाँ पर लैंडमाइंस कहाँ पर है हमें पता नहीं है। लैंडमाइंस गायब हुए, चले नहीं गए, इसलिए जहाँ पर हमें लैंडमाइंस दिख रहे थे हो सकता है वहाँ पर लैंडमाइंस ना हो। ये खतरा और बढ़ गया है विमान। क्या भैया, तो फिर अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ पैर रखना है और कहाँ नहीं? वो तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। ये लैंडमाइंस कहाँ गायब हो गई? अरे हाँ, हमारे नीचे जो ब्लैक स्पॉट्स है वो भी गायब हो गए। लगता है हमने बालवीर जी को बुलाया ना, इसलिए बालवीर जी ने लैंडमाइंस गायब कर दिए। काश बालवीर जी लैंडमाइन के साथ आपको भी गायब कर देते। क्या बोला? मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप गायब हो जाते तो सोचो आप क्या क्या नहीं कर सकते थे। अरे जान बची तो लाखों पाए। लाखों कहाँ है लाखों? मुझे तो नहीं मिले। अरे अगर लैंडमाइंस नहीं दिख रही है तो हम पैर हटा सकते हैं ना, अब घर जा सकते हैं ना। नहीं, आप लोग वहीं पे रुकिए, आगे मत बढ़िए, क्योंकि लैंडमाइंस वहीं पर है, बस आप सबको दिख नहीं रहे, वो इनविजिबल हो गए हैं। हाँ, हो सकता है आप पैर उठाए और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाए, इसलिए प्लीज जाए वहीं रहिए। यही वो डिवाइस है मिस्टर बी, जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि भारत नगर में किस जगह माइंस है और किस जगह नहीं, और इसी के हेल्प से हम सेफली भारत नगर के बाहर निकल सकेंगे। लेकिन ख्याल रहे कि कहीं हमें बचाने वाली दवाई हमारे ही दुश्मनों के इलाज के काम ना जाए। डोंट वरी मिस्टर बी, यहां से सेफली बाहर निकलते मैं इस डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद दोनों बालवीरों को पता ही नहीं चलेगा कि कहां लैंडमाइन है और कहां नहीं। यस मिस्टर बी, हम तो यहां से सेफली बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो दोनों यहां पर अपने भाई, दोस्त, बेटा, ये फर्ज निभाने के चक्कर में सबको सेव करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए बम्बाल मौत के फरिश्तों से भी कोई रिश्ता नहीं रखता। लेकिन स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई मिस्टर बी, लेट्स कम टू द क्लाइमैक्स। अपने उन्हीं रिश्तों को बचाने के चक्कर में वो दोनों बाल भी खुद ही उन माइंस पर कदम रख देंगे और फिर कबूम, दोनों बालवीर का गेम खत्म। प्लीज कोई अपनी जगह से मत हिलिए, जो विवान बोल रहा है उसे फॉलो कीजिए प्लीज। ओके। हाँ हाँ। तुम दोनों बालवीर जी पे शक कर रहे हो? बालवीर जी पे? हाँ? तुम दोनों इतने शोर कैसे हो कि लाइन में गायब हो गई है? हाँ मोंटो भैया किसी की भी नहीं सुनते, भले ही उन्हें कितनी मार पड़ जाए। अरे मार तो ना, अब तेरे को पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा था कि हम तो पैर बाहर निकाल के ही मानेंगे। हाँ हाँ, निकालो निकालो अपना पैर बाहर निकालो। चलो कोई तो है हिम्मत वाला जो ये चेक कर रहा है कि लैंडमाइन से इनविजिबल हुआ है या नहीं। निकालो निकालो, अरे आज तो आप लोगों के ही लैंडमाइन होगी ना, एटलीस्ट बाकी सब तो सेफ रहेंगे। निकालो निकालो ना। नहीं 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 नह
राइट। क्या हुआ मोंटू चिंटू? हाँ पैर बाहर नहीं निकलना है। अरे हटाओ हटाओ पैर हटाओ, क्या होगा एक छोटा सा ब्लास्ट होगा है ना। हाँ निकालो निकाल निकाल निकाल। खबरदार चिंटू एक भी पाँव बाहर निकाला तो। पापा मुझे डांट रहे ना देवो भैया, वरना तो मैं कर ही लेता। एक काम करते आप हा? आप पैर बाहर निकालो मोंटू भैया निकालो। मैं क्यों, मुझे तो नहीं निकलना है, मैं तो बस ये स्ट्रेचिंग कर रहा था, खड़े खड़े दम कर रहा था ना, इसीलिए हम यहाँ ठीक है। सी, हमारी हेल्प करने के लिए पुलिस आई है। थामा ये थामा 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 पहले पुलिस बुआना करेगी। थामा किरपड़े जी वहीं रुक जाइए। अरे हाय नहीं रुक, हाय बाय बाद में। नहीं मामू। हाँ बगीचा सब लोग कितना पहचानते हैं मुझे बगीचा। अरे भाई अरे क्या हुआ? अरे आप सब शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। किरपड़े जी आप वहीं पे रुकिए, अंदर मत आइए, एक भी कदम आगे मत बढ़ाइएगा। क्यों क्या हुआ, पुलिस ने चारों तरफ से सबको घेर लिया है क्या? हम लोग ही पुलिस है क्या देवू तू भी? अरे गिर पड़े जी। अरे क्योंकि यहाँ पे हर जगह में लैंडमाइंस बिछे हुए हैं। क्या? हाँ अगर आपका पैर गलत जगह पे गिर गया तो ब्लास्ट हो सकता है। अच्छा क्या बात कर रहे हो, सब जगह लैंडमाइंस बिछे हैं? हाँ यहाँ वहाँ आपके पैर के नीचे भी हो सकता है, इसलिए आप पीछे ही रहिए, अंदर मत आइए। नहीं कोई उतर ना मत, कोई उतर मत, हम नीचे लैंडमाइन बिछी है। ब्लास्टिंग न्यूज़, सॉरी ब्रेकिंग न्यूज़, भारत नगर में बिछी है लैंडमाइन। ये शिंदे पॉकेट रख दे। अरे नीचे मत उतर रहे हैं, मरवाएगा क्या? थाम तू इधर थाम, मैं गेतो गेतो। हेलो 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 रिपोर्टिंग गिरपड़े रिपोर्टिंग सर भारत नगर से। यहाँ बहुत गड़बड़ है, एंटी बॉम्ब स्क्वाड भेजिए, लगता है टेररिस्ट छुपे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ टेररिस्ट भी हो सकते हैं। हेलो भैया ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट है, और अगर यहाँ पे आर्मी आ गई तो हमारे लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब गिरपड़े जी को कौन समझाए, ये सबके पीछे टेररिस्ट नहीं बल्कि जादुई शक्तियों वाले शिंकाई के बुरे लोग हैं। हमें जितना जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर को यहाँ लाकर सब लोगों को एयरलिफ्ट करवाना होगा। हाँ विवान, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। गिरपड़े जी के यहाँ आने से ये तो पक्का हो गया कि भारत नगर की बाउंड्री के बाहर कोई भी लैंडमाइन नहीं है, लेकिन भारत नगर से बाहर जाने के लिए कोई तो रास्ता निकलना होगा। वो देखो विमान बैम्बूस, हम उन बैम्बूस की मदद से लॉन्ग वॉल जंप मारकर भारत नगर के बाहर जा सकते हैं। लेकिन भैया भारत नगर के बाहर लैंडमाइंस नहीं है लेकिन अंदर तो है ना, हम बैम्बूस तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे विवान, 8 सेकंड में पहुंचेंगे। पैर का प्रेशर हटने में और माइंड ब्लास्ट होने में 8 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब हमने गलती से इनविजिबल माइंड पे पैर रख भी दिया, फिर भी हमारे पास 8 सेकंड होंगे उन बैम्बूस तक पहुंचने के लिए। यस चलो। देवो विवान क्या कर रहे हो तुम लोग? सब लोग है ना रे? हाँ ठीक है, तुम आगे जाके एक बाइट लेके आओ ना। मैं क्यों चाहूँ, तुम जाके फुटेज लेके आना। अरे 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 टेंशन नहीं लेने का, गिरपड़े है ना, घबरने का ये मात्रे जा जरा आगे देख, तुम सब ठीक है ना? देख आप चीनी है सर, आपके होते हुए हम लोग आगे कैसे जाएं? अच्छा गुड सजेशन।
अरे माँ आपकी परवाह है इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। हाँ हम ये आप सबके लिए कर रहे हैं ताकि हम बम्बू की मदद से भारत नगर के बाहर जाकर हेलीकॉप्टर ला सके जिससे आप सबको एयरलिफ्ट करके बचा सके। लॉर्ड गवर्नर हो तुम क्या? हाँ बालवीर हो? नहीं ना तो फिर क्यों जाना है तुम्हें ही? बाहर पुलिस खड़ी है वो करेगी ना जो करना है, तुम्हें क्यों करना है? माँ वो पुलिस अभी पुलिस को बताएंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को बताएगी, आर्मी यहाँ पे आएगी, इतने में बहुत टाइम निकल जाएगा ना माँ, और उतने में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो? लेकिन तुम्हें ही क्यों जाना है? हाँ तुम्हें क्यों करना है सब कुछ? हाँ क्योंकि हम दोनों बालवीर हैं। बालवीर? ब्रेकिंग न्यूज, ये दोनों बालवीर है। ये डब्बू भी बालवीर है? माँ बालवीर कौन होता है? वही ना जो हर मुसीबत का बड़े से बड़े खतरे का डटकर सामना करे, और इस वक्त हम भी तो वही कर रहे हैं। तुम उस हिसाब से तो वो है ना हम बालवीर? हाँ माँ क्योंकि बालवीर कोई इंसान थोड़ी ना है, वो तो एक सोच है। अब उसी सोच से हम आप सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हुए ना हम भी बालवीर। ब्रेकिंग न्यूज, ये दोनों बालवीर नहीं है। अब हम जो भी कर रहे हैं आप सबको बचाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए प्लीज माँ आज हमें मत रोकिए। हाँ माँ अब हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, ऐसे में हमें कमजोर मत करिए बल्कि आपके आशीर्वाद से हमें हिम्मत दीजिए। जानती हूँ बहुत बातें बनाना आता है तुम्हें, ठीक है जाओ, लेकिन लेकिन जाओगे कैसे तुम लोग? बालवीरों की ये छलांग उन्हें हार के पार जीत की तरफ ले जा सकती है। I know, Mr. B. लेकिन जीत दिलाने वाली पावर्स मेरे पास नहीं, आपके पास है। So try and stop them. तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अरे भैया जोर का झटका जोर से लगा जी। मैं इतनी दूर आके कैसे गिर गया? भैया क्या हुआ? अब विवान वो बम्बू टूट गया। बैम्बू कैसे टूट गया? भैया मैं आपको कितना कहता रहता हूँ कि रात को रसगुल्ले मत खाइए, लेकिन मैं तो छोटा हूँ आप मेरी सुनते का हो। अब वेट बढ़ गया तो बैम्बू तो टूटना ही था। ब्रेकिंग न्यूज, इसने रात को रसगुल्ले खाए थे। अरे विवान मेरी गलती नहीं है, वो किसी ने मुझ पे हमला किया इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, अब तुम जाओ वो हेलीकॉप्टर ले आओ, अब तब तक मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। जाओ। ओके भैया।
विमान, बड़े बालवीर को तो रोक दिया लेकिन छोटा हाथ से निकल गया। छोटा वाला भी बड़ा धमाका करता है मिस्टर बी, यू शुड स्टॉप हिम। उसे रोकने के लिए हमें बिरबा से बात करके शिंकाई से कुछ खतरनाक यंत्र मंगाने पड़ेंगे, जिससे मैं पूरे भारत नगर पर एक ऐसा कवच बिछा दूंगा ताकि वीर लोक वालों को पता न चले कि यहां क्या हो रहा है। यस मिस्टर बी, मीनवाइल मैं जाकर विवान को रोकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे यहां से बाहर जाना पड़ेगा और इसमें मेरी हेल्प करेगा डिवाइस, इससे मुझे पता चलेगा कि लैंडमाइंस कहां हैं और कहां नहीं। अपने मतलब के लिए मुझे यहाँ फंसा दिया, बाद में मैं कैसे बचूंगा यहाँ से? मुझे ही खुद को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देवू जी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता आपको मैं बताता जी। हाँ समर के, आयो नीचे लाइनमैन होना जी। हाँ, ओके, क्या रास्ता है? बताता, इधर आना जी। इधर नहीं है जी, इधर नहीं है, मैं हूँ ना इधर, थोड़ा पास। मैं यहाँ से आपको बाहर जाने का रास्ता बताता, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा जी कि आप मुझे बचाएगा। आप हेलीकॉप्टर से सबको उठाएगा, तब मेरा नंबर पहला होना जी। ठीक है रामू काका, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। बताता है। वो जो रे है ना, रे रामू काका ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। रामू काका की बात तो बिलीव मत करो, वो तो कुछ भी बोलते रहते। बिलीव तो मुझे तुम पर भी था, लेकिन तुमने खुद को भरोसे के लायक नहीं रखा। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक डिवाइस है जिसे तुम पता लगा सकते हो कि माइंस कहाँ पे रखी और कहाँ पे नहीं। हाँ, वो एक्चुअली मैं तो भूल ही गया था कि मैं कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए डिवाइस लेकर आया था, बट आई वाज चेकिंग कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो काम कर रहा है? हाँ कर रहा है। ग्रेट, तो आप मुझे डिवाइस दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। मैं तुम्हें डिवाइस नहीं दे सकता, वो मैं भी भारत नगर में रहता हूँ, अब तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प, लेट मी डू इट। हाँ तो चलिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि बालवीर मुझे लैंडमाइन से तो बचा लेगा, पर रे से मुझे कौन बचाएगा? अयो, अयो, अयो स्वामी। एविल अच्छा है कि हेल्प करे, नॉट पॉसिबल।
मुझे बालवीर को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से रुकना ही होगा। मिल गया आइडिया। अरे रेव, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? देवू, मेरा पैर इसमें स्टक हो गया। तुम जाओ, तुम्हें हेलीकॉप्टर लेकर जाना है ना? लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता ना। देवू, इतना फोर्स लगाओगे तो मुझे इंजरी हो जाएगी। अरे लेकिन फोर्स से लगाऊंगा तो पैर भी तो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन देवू, अच्छा ठीक है, एक काम करो, छोड़ो, तुम जाओ, तुम्हें जल्दी है ना। आराम से खींचूंगा तो निकल जाएगा। अरे देवू, ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। एक काम क्यों नहीं करते, तुम किसी को हेल्प के लिए बुला लो। अरे लेकिन यहाँ पे कौन आसपास हेल्प के लिए मिलेगा, और समय भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ, और तुम्हें भारत नगर में सबको बचाने भी तो जाना है ना देवू। हाँ ठीक है, मेरे साथ जो होता है होने दो, तुम जाओ। यू गो देवू, गो। आई टेक केयर। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं चला जाता। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम भारत नगर के लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। ओके? ये तो इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल हो गया। नहीं, मैं इसे अकेले नहीं जाने दे सकता। आह, देवू, देवू, एक मिनट बात सुनो, जल्दी बोलो। देवू, एक काम करो, तुम मुझे फुल फोर्स लाकर खींचो। अगर मुझे इंजरी होती है तो होने दो, लेकिन इस डिफिकल्ट टाइम में मैं तुम अकेले इस डेंजर के साथ नहीं लड़ने दूंगा। आओ, खींचो मुझे। ठीक है। अरे वाह, ये तो आसानी से बाहर आ गया। हाँ। खड़े हो, अब जल्दी चलो, समय कम है। मैं तुम्हारा ये रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा बालवीर। भारत नगर के लोग लोनी क्राय और परे विकास नहीं छोड़ेगा रे। सर, प्लीज बिलीव मी, इमरजेंसी है, पूरे भारत नगर में लैंडमाइंस बचे हैं, सबको एयरलिफ्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। बात समझने की कोशिश करो बेटा, मैं इस हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ, ओनर नहीं। बिना पेमेंट के कंपनी परमिशन नहीं देगी बेटा। सर लेकिन बुकिंग तो ऑलरेडी हो चुका है ना, और फिकर नॉट, आपकी कंपनी की पेमेंट भी हो जाएगी। आई नो, बट बिना पेमेंट के बुकिंग का कोई फायदा नहीं। सर, आपके लिए आपकी पेमेंट ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जान? अगर किसी की जान चली गई तो आप उसकी जिंदगी वापस थोड़ी लौटा पाएंगे। ओके, दैट्स फाइन, मगर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए परमिशन चाहिए, और मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। बालवीर्स की पावर तो चली गई, लेकिन बल नहीं गया। बिना पावर्स के क्या कर लोगे बालवीर्स? आई थिंक आप सबको आर्मी का वेट करना चाहिए। लेकिन सर, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सर, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर माइंस पे खड़े हैं, इस बार पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए हमारी मदद कर लीजिए प्लीज। और अगर आपको पेमेंट की इतनी जरूरत है तो फिर ग्रैंड कॉलेज मुंबई आपकी पूरी पेमेंट करेगा, आई प्रॉमिस। सब प्लीज, आप तो हमारे साथ सबको सेव करने चलिए प्लीज। ओके, आई नो कि मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, मगर बात बच्चों की है, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए। ये दोनों बेवकूफ आप सबको एयरलिफ्ट करेंगे हेलीकॉप्टर से। हे भगवान, मेरे विवान और देवू की रक्षा करना। मामा, बहुत दूर से वॉशरूम आ रही है। मामा, रिंकू, क्या करवाया? सॉरी भैया, मुझे डर के मारे और जोर की भूख लग रही है। करुणा जी, बच्चे तो सच में बहुत डर गए हैं। हाँ, बच्चों की हालत देखकर तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है।
माना कि बालवीर सर मेरी पावर्स जा चुके हैं, बट दिमाग मुझ में उनसे कहीं ज्यादा है। भैया ये आग कैसे लग गई? पता नहीं विमान, अब हम हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास समय भी बहुत कम है। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मुझे लगता है फ्यूल लीक हो गया है। नो, लगता है अब हम ये हेलीकॉप्टर यहां से ले जा ही नहीं पाएंगे। कोई चांस ही नहीं है। नहीं रे, याग हमें नहीं रोक पाएगी। हमें किसी भी हाल में इस हेलीकॉप्टर को यहां से ले जाना ही होगा। यस भैया, फाइटर तो बहुत बार बने, लेकिन आज फायर फाइटर बनेंगे। यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर तो होगा ही ना? पैर बहुत दुख रहे मोंटू भैया। मोंटू? हां, एक बात बता। हाँ। कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ भैया, पीऊंगा ना। है ना? हाँ, गर्मी भी बहुत है। एक हाँ। काम कर, जा तू कोल्ड ड्रिंक पी के और मेरे लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाना। हाँ, मैं घर से लेके आया। अरे क्या कर रहे हैं? अरे चिंटू, कोल्ड ड्रिंक पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना देखो। अरे मोंटू भैया, ये तो आपने बोला ना। ओ गॉड, टेंशन के मारे तो मुझे भी प्यास लग रही है। बच्चों, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। इसलिए हमें भी खुद कुछ करना पड़ेगा। जरा जाके अंदर से पानी लेकर आ। ओके आंटी। क्या कर रही हो अनन्या? तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे खुशी खड़ी है, उसे बोला है। हाँ आंटी, सॉरी आंटी। एक्सटिंग्विशर इनफ है इस आग को बुझाने के लिए? पता नहीं। रीजन जो भी हो, हमें यह आग बुझाने की कोशिश नहीं छोड़नी होगी भैया। कर लो जितना ट्राई करना है, ये फायर बुझेगी नहीं बालवीर से, पर तुम्हारा प्लान जलकर राख हो जाएगा। रॉय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आग तो बुझ ही नहीं रही है। शायद आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर काफी नहीं है। तो इसका मतलब हमें कुछ ज्यादा फोर्स वाला चाहिए इस आग को बुझाने के लिए। राइट वुमन।
जल्दी जल्दी जान दो। रुक जाओ विवान। मैं कहूं तब ये खोल देना। ओके। चालू करो। इस वाहन को मैं उड़ने नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। अनन्या दीदी ये लीजिए। खुशी पानी लेके ये मुंडविया। अरे अनन्या दी हमें पानी दो ना। हाँ ठीक है मैं बॉटल पास करती हूँ लेकिन कैच मत छोड़ना। ध्यान रखना कि नीचे लैंडमाइन से अगर कैच मिस हुआ तो ऐसे हो जाएगा। कैच छूटने पर विकेट बच नहीं रही है, विकेट गिर रही है। ध्यान से पकड़ना मुंडू भैया। गुड। यार पानी तो पी लिया पर अब खड़ा नहीं रह जा रहा। हाँ मुझसे भी। पैर तो मेरे भी दुख रहे हैं। लगता है थोड़ी देर में मैं भी गिर जाऊंगा। यश भैया आग बुझ गई। चलिए पायलट सर। पायलट सर अब अभी तो यहीं पे थे। पायलट सर कहाँ गए? सर पायलट सर 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 नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स खुले पड़े हैं और जमीन पे पानी भी है। इन्हें लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगा। बिजली का करंट मैंने भले ही पायलट को लगाया है पर झटका तुम्हें लगा होगा बालवीरो। ओह नो अब बिना पायलट चल के हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई होगा और हम सबको कैसे सेव करेंगे? एक मिनट। हेलो हेलो यस सर। ओह थैंक यू सर। गुड न्यूज़। रुको गुड न्यूज़।
पहले पता तो चलने दो, गुड न्यूज क्या है। अरे गिर पड़े, तू मनी मन मुस्कुराता रहेगा या बताएगा भी गुड न्यूज क्या है? बताता हूँ दादाजी, जल्दी मिलिट्री के आने की परमिशन मिल गई है और जल्दी हेलीकॉप्टर आने वाला है। अब ताली बजाओ। तब तक किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो तो मत मांगना। मतलब लैंडमाइंस बिछे ना, हम लोग अंदर आ नहीं सकते, इसलिए जैन जैन। पायलट सर की धड़कनों को वापस चालू करने का एक ही रास्ता है। नहीं, अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम आपको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। अरे हमारे पास हॉस्पिटल जाने का समय नहीं है, हमें भारत नगर जाना ही होगा। अरे देबू कैसी सेल्फिश बात कर रहे हो तुम, लेकिन रे देखिए मैं यहाँ अकेला खतरे में हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो। थैंक यू सर। सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको खुश नहीं होने दूंगा। चलिए। थैंक यू। आराम से चलो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। तुम लोग जाओ, तब तक मैं यहाँ पर ऑफिशियल प्रोसीजर पूरे करता हूँ बाकी के। ठीक है। अरे इस मुश्किल समय में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। अरे इट्स ओके, जाओ तुम लोग। चलो। इससे पहले कि इन दोनों को इनकी मैजिकल पावर्स मिले, I need to be ready with my final attack. Cry or pray, नहीं छोड़ेगा रे। चलिए सर, आज हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है। और इस टेस्ट में पास होने के लिए हमें 100 out of 100 ही चाहिए। यस, जल्दी चलिए। रास्ता बताता हूं, चलिए जल्दी।
आ गया भारत नगर। भैया वो रहे सब नीचे। रक्षा करना। माँ दादाजी अनन्या दीदी आप सब लोग बिल्कुल मत घबराइए, हम आप सबको जरूर बचा लेंगे। इस हेलीकॉप्टर के नीचे ये जो मिलिट्री नेट जुड़ा हुआ है आप सब उसे टाइटली पकड़ लीजिएगा। ओके हाँ। और याद रखिएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड का ही टाइम होगा, सो आप सब प्लीज अपनी अपनी जगह पर ही खड़े रहिएगा और एक साथ में इस नेट को टाइटली पकड़ लीजिएगा और फिर हम आप सबको एक साथ एयरलिफ्ट करेंगे। ओके ठीक है। हाँ दे दीजिए, हम आपको पकड़ लेंगे और भरोसा रखिए आपके बेटे आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, तुम दोनों पे मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। माँ, परितारा का रंग पीला क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रक्रिया कब तक खत्म होगी? अगर दोनों बालवीर को धरती पर कोई मुसीबत आए तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? समय लग रहा है पर आप तब से अपना ध्यान मत हटाइए। तब सफल हुआ तो परितारा और दोनों बालवीरों की शक्तियाँ अवश्य लौटेंगी। ठीक है शौर्य।
ये क्या मिस्टर भी, ये बालवीर की पावर टाइम से पहले कैसे वापस आ गई? और अगर इनकी पावर्स आ गई है तो मेरी पावर्स अब तक क्यों नहीं आई? शाबाश परियों, जिस निष्ठा से आपने वीर तप किया है उसके कारण समय से पहले ही परितारा संपूर्ण ऊर्जावान हो गया और दोनों बालवीरों को अपनी शक्तियां भी समय से पहले वापस मिल गईं। तो बचा लिया, लेकिन अब अपनी मां को कैसे बचाओगे बालवीर? विवान, देबू कहां गए ये दोनों? सबको पता चल गया है कि हम दोनों बालवीर हैं। फिकर नॉट विवान, एक काम करते हैं, सबकी मेमोरी इरेज कर दो, क्योंकि इनकी याद से याद मिटता ही हमारे लिए बेहतर है।
तो माँ को लेकर भारत नगर जाओ और उनकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं देखता हूँ कि आखिर हम पर हमला किसने किया था। ठीक है भैया। हम पर यहीं से बिजली तरंगों से वार किया गया था। अभी भी वो तरंगें मुझे महसूस हो रही। इसका मतलब हम पर वार करने वाला यही कहीं आसपास है। मुझे अपनी तीव्र गति से उसे ढूंढना होगा। बालवीर की शक्तियां वापस आ गई, इसलिए हमारे पास यहाँ से भाग के शिंकाई जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। I hate running like this, Mr. B. आज पीठ दिखाकर भागना पड़ा, but I promise, मेरा अगला वार बालवीर के सीने पर होगा, सीने पर। यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे 1 किलोमीटर के एरिया में दोनों रास्तों पर देखना होगा। बालवीर बहुत तेज गति से भाग रहा है और अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो बहुत देर तक उसकी नजरों से बच नहीं सकते। आज हमारा पकड़े जाना तय है। नो मिस्टर बी, नो। रे केंडा है, लेकिन वो अपने एनिमीज के सामने सरेंडर नहीं करेगा। बालवीर, कहां ढूंढ रहे हो मुझे? मैं यहां हूं। We are good people. और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। Hello, principal sir. Hello. Principal अघाड़ी, आप हैं शिंकाई के दुश्मन? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा वो दुश्मन जो तुम्हारी आंखों के सामने था, लेकिन तुम कभी उसे पहचान नहीं पाए। मैं ही हूँ जिसने बिरबा को तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। मैं ही हूँ जिसने भारत नगर पर लैंडमाइंस बिछाए। मैं ही हूँ जो तुम सबको उस हेलीकॉप्टर में मारना चाहता था। और मैं ही हूँ तुम्हारा खून लेकर बना 10 सर वाला रावण। मैं ही हूँ दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली बम्बा। सब्र, ये वक्त लड़ने का नहीं है, बचने का है। और ये मत भूलो, अभी भी तुम्हारी शक्तियां वापस आ रही हैं, पूरी तरह से वापस आई नहीं है। और अगर तुम ऐसे बालवीर से लड़ने जाओगे तो उसका सामना नहीं कर पाओगे। तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर भी? हार मान लूं मैं? मैं चाहता हूं कि हम इस हार को भी जीत में बदल दें। और उसके लिए मुझे बालवीर के सामने अपने आप को बेनकाब करना ही पड़ेगा, ताकि तुम यहां से बच के शिंकाई वापस जा सको। इतना छोटा वार? अरे अपने लिए नहीं, पर मेरी इज्जत रखने के लिए थोड़ा जोर से वार कर लो। मजा नहीं आया। अरे ये वार देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। चलो एक और बार कोशिश कर लो। ये हुई ना बात। अब मेरी बारी।
चलो दिखाता हूं तुम्हें वीर लोक की मेहमान नवाजी। क्या लगा मैं एक छोटी सी चींटी हूं, लेकिन जब एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसे धराशायी होने पे मजबूर कर देती है। देबू तुम बालवीर हो? ठीक है, सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। कॉलेज रिसर्च के नाम पे ना जाने कितने बुरे बुरे काम करवाए होंगे इसने मुझसे, जाने अनजाने में ही सही। इसके सारे बुरे कामों में इसका साथी तो था मैं, आज तो मैं माँ की मेमोरी भी क्लीन करते। अब देखते हूँ कि देवो भैया के साल में है, उन्हें वो दुश्मन मिले या नहीं। देवो बालवीर है। दीदी आप मुझे पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे ना सब पता चल गया। सबकी मेमोरी क्लीन की थी मैंने, फिर अनन्या दीदी की मेमोरी क्यों क्लीन नहीं हुई? I'm very smart. मुझे पता था कि तुम क्या करने वाले हो, इसीलिए मैं छुप गई थी। क्या दीदी आप भी, आप क्या मेरा माइंड रीड कर सकती हो? काश कर सकती पर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए अब मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। दीदी अभी तक तो मेरा मुंह चल रहा था, लेकिन आपकी बातें सुन के बंद हो गया है। क्या अनन्या दीदी की मेमोरी फिर से क्लीन करनी पड़ेगी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आई, मैंने बोला था ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इसीलिए मेरी मेमोरी क्लीन करने का तुम ट्राई भी मत करना, वरना तुम्हें मेरी कसम। अरे दीदी आप आज ये इमोशन में एक्शन कहाँ से लेकर आ गए? अब इमोशनल हो ही गए हो तो मेरे पास ये जो ए टू जेड क्वेश्चंस है ना उनके आंसर भी दे दो। देबू कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेलीकॉप्टर पे अटैक करने की? तुम्हें पता नहीं था उसमें बच्चे भी है? मिस्टर बी ये तो बहुत ही रॉन्ग ट्रिक है। अगर आपने खुद को बालवीर के सामने एक्सपोज कर दिया तो उसे मुझ पर भी डाउट हो जाएगा, क्योंकि उसने हमेशा मुझे आपके साथ देखा है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नो मिस्टर बी, आई कैन नॉट लूज यू। नहीं खोगे अगर तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि मेरे पास एक तरकीब है जिससे बालवीर को यह यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे साथ ही नहीं हो। कैसी तरकीब? तूने मुझ पे वार किया, तुझे अनाथ समझकर जमीन से उठाया मैंने, और आज इसी जमीन में गाड़ दूंगा। हाँ हूं मैं अनाथ, हूं मैं अनाथ। मैंने तुम्हें अपना गुरु समझा, लेकिन तुम तो राक्षस निकले राक्षस। क्यों क्या तुमने ऐसा? Why? ताकि लोगों को यह लगे कि मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। तुझे क्या लगता है मैं कोई साधारण सा प्राणी हूं? मैं शिंकाई की जादुई शक्तियों का मालिक हूं। शिंकाई? ये क्या? शिंकाई को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस इस बात की फिक्र करो कि आज तुम मेरे हाथ मरने वाले हो।
वो मेरा शिकार है। कहाँ गायब कर दिया तुमने उसे? उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाने वाला। चलो भैया, ये तो बेस्ट हुआ, हमारी टीम इतनी सॉलिड है कि शिंका भी लंच को तो पकड़ में आना ही था। वैसे भैया, आपने बाकी सबको तो बचा लिया, लेकिन अब अपने आप को कैसे बचाओगे? रेडी हो जाइएगा शाम को डंडे खाने के लिए। डंडे? मैं क्यों खाऊंगा डंडे? वो तो आपको शाम को पता ही चल जाएगा, लेकिन अब अपने काम पे फोकस करते हैं। वैसे बाल परी ने अब तक तो शिंका विलन से सारा सर जान ही लिया होगा। चलिए। माँ, कुछ पता चला? हर तरह से सच जानने की कोशिश कर ली, पर बार बार ये वही कह रहा है कि यही रावण था और यही शिंकाई की वो बुरी शक्ति जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माँ, जिस रावण से हम टकराए थे वो परम शक्तिशाली था, और इसे देखकर तो लगता है इसके पास इतनी शक्तियाँ होगी भी नहीं। अपने दुश्मन को कमजोर आंकने की गलती कर रहे हो तुम बालवीर। भैया, मेरे पास एक तरीका है ये जानने का कि यही वो रावण है या नहीं जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, जिसने आपसे रक्तदान लिया था, रिमेम्बर? हाँ माँ, हमें इसके दिमाग की स्मृतियों में झांकना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। ये क्या? मैं अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं ला पा रहा। लगता है बालवीर को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। उसे ये लगता है कि मैं मिस्टर बी का पार्टनर इन क्राइम हूँ। शेम। इसीलिए मैजिक से मेरी पूरी बॉडी को लॉक करके मुझे यहाँ भेज दिया है। जल दानव से लेकर रावण दहन तक अघाड़ी के दिमाग में वो सारी स्मृतियां है। रे वाह, अपनी याददाश्त मेरे दिमाग में डालकर क्या प्लान बनाया है तुमने। आ, आ। इसका मतलब यही है वो शिंका विलेन जिसे हम ढूंढ रहे थे। हो सकता है, लेकिन अघाड़ी की शक्तियां इतनी कम क्यों नजर आ रही है? जैसे विजयदशमी पे हमारे युद्ध से तुम दोनों की शक्तियां चली गई थी, उसी तरह मेरी भी शक्तियां छिन गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल गई हैं और मुझे मिलने वाली है, और उसके बाद तुमसे उड़ जाऊंगा मैं यहां से।
अंकल ये वीर लोग हैं और मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करे और यहाँ से भागने की तो कोशिश भी मत करना। बालवीर अब तो जब तक शौर्य परियों का आह्वान कर वापस लौट कर नहीं आते तब तक इसे यहीं कैद में रखना होगा और फिर शिंकाई की बुरी शक्ति को पकड़ने की और दिवाली की खुशी वीर लोक और धरती लोक एक साथ मनाएंगे। यस बालपरी, इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे और हम तो शौर्य डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है। हाँ, और माँ मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ रे के पास, मुझे उसे स्थिर अवस्था से सामान्य अवस्था में लाना होगा। तुम लोग मुझे नहीं जानते, बम्बाल को ज्यादा देर कैद में रखना मुमकिन नहीं है। इस बार दिवाली तुम मनाओगे लेकिन उसमें धमाका मैं करूंगा। I told you, कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो टेक मी पनिश मी। पर ये क्या, तुमने मेरी बॉडी को लॉक करके और मुझे यहाँ पर भेज दिया और अब खुद ही फ्री भी कर रहे हो, व्हाई? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही, अब मेरा मतलब है कि शिंकाई के दुश्मन की जांच पड़ताल करनी थी, उसे पूछताछ करनी थी। हो तो हो गई ना तुम्हारी जांच पड़ताल? हाँ, और अब मुझे ये भी विश्वास हो गया है कि तुम उन बुरे लोगों के साथ नहीं मिले हुए हो। थैंक गॉड तुम्हें मुझ पर भरोसा तो हुआ कि मैं उनके साथ, मैं तो खुद यही सोचकर परेशान हो रहा था। अब बालवीर को मुझ पर भरोसा हो गया तो अब मैं सुकून से चैन से अपना सर उठाकर अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। थैंक गॉड यार। और हाँ, मैं बालवीर हूँ ये बात भी तुम्हें याद ना रहे तो बेहतर है। हाय रे, तुम यहाँ पे? देवू, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे है? मैं तो दिवाली की शॉपिंग करने गया था लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ मिला ही नहीं इसलिए घर वापस जा रहा था। तुम भी शायद वही करने जा रहे थे? हाँ शायद। कोई बात नहीं, बाद में मिलता है। रहो इसी भ्रम में कि मैं नहीं जानता तुम बाल दे रहो, रहो इसी भ्रम में कि मैं बुराई का हथियार नहीं हूं। लेकिन जिस दिन मुझे मेरी पावर्स मिलेगी उस दिन दुश्मनों की तरह पीठ पे नहीं दोस्तों की तरह सीने पे वार करूंगा बालवीर। जस्ट वेट एंड वॉच। आज जिस तरह देवू और विमान ने हेलीकॉप्टर लाकर सबको बचाया, उन्होंने ना सिर्फ दृढ़ निश्चय और बहादुरी दिखाई बल्कि समझदारी भी दिखाई है। तो ये देखकर मुझे पता चल गया है कि ये दोनों ही बालवीर हैं। ये दोनों बालवीर है। देख चिंटू, वो विवान ना बालवीर है, इसीलिए तेरी हमेशा बैंड बजाता है। सिर्फ मेरी बैंड नहीं बजाता है मोंटिया, वो आपकी बैंड बजाता है। गिरपड़े जी को कैसे पता चला कि हम बालवीर हैं? तुमने इनकी मेमोरी नहीं मिटाई क्या? नहीं नहीं, इनकी तो मेमोरी क्लीन कर दी थी। इनकी तो क्लीन कर दी थी मतलब, और किसकी मेमोरी नहीं मिटाई तुमने? हाँ, अरे माना कि तुम दोनों असली बालवीर नहीं हो लेकिन तुम दोनों ने जो काम किया है तो हमारे लिए तो बालवीर ही हुए ना। वैसे तालियां। ओ गिरपड़े जी तो बस हमें असली बालवीर जैसा समझ रहे हैं। बट भैया, अगर सलमान खान को कोई ये बोले कि आप सलमान खान जैसे हो तो उनको अजीब तो लगेगा ना। तुम सलमान खान नहीं ना? वैसे तुम ये बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि इनकी मेमोरी तो क्लिंक कर दी थी? हाँ अरे भैया, अभी तक लोखंड वाले सर्कल पे ही क्यों राउंड राउंड घूम रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अब मैं करुणा जी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि वो दोनों बालवीर को मुंबई पुलिस की तरफ से मेडल्स पहनाए।
बचाया, बहुत बहादुरी वाला काम किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा खुद को ऐसे खतरे में डालो। पर ना आज तो मेडल पहनाया है, तब कान खींचूंगी। हाँ, मैं खुद के कान पकड़ता हूँ, ये देखे, और आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्यों भैया? हाँ, कोई खतरा आगे से बोलने नहीं। अच्छा, दोनों और कितनी नौटंकी करोगे सबके सामने? मुझे तो पता चल गया है कि देबू भी बालवीर है। अब देखना तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। विवान, ये अनन्या मुझे ऐसे मुंह फुला के क्यों घूर रही है? भैया, लगता है वो हेलीकॉप्टर के पंखे के हवा ना उनके मुंह में चली गई है। विवान, सॉरी भैया, आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए, फंक्शन के बाद अनन्या दीदी खुद ही आपको सब बता देंगे। बुराई का परचम लहराने के लिए मुझे यहां से निकलना ही होगा। हम शिंकाई वालों के लिए जल ही शक्ति है, बस किसी तरह से मुझे जल छूने को भी मिल जाए, फिर मैं यहां पर जल प्रलय लाके यहां से भाग सकता हूं। ये कौन है? चीख कौन रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, किसी को मदद की जरूरत है। कौन है? कौन है? अरे कैदी तुम हो? ओ कैदी, अब चीखने से क्या फायदा? ये तो बुराई करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ बुराई के हाथी, मेरा मतलब है साथी, ऐसी अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रहे हो? यही है तुम वीर लोक वालों की परंपरा, मेहमान नवाजी। वैसे तो अच्छाई की बहुत बातें करते हो, लेकिन एक ऐसे आदमी को तड़पता हुआ देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए! नहीं नहीं नहीं, तुम मेहमान नहीं हो, तुम कैदी हो और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है। तो क्या एक प्यासे को मर जाने दोगे तुम? देखो, मैं समुद्र का प्राणी हूं, बिना पानी के ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे पानी पिला दो थोड़ा। अगर मुझे कुछ हो गया तो बालवीर को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उससे? एक कैदी को नहीं संभाल पाए तुम, सारा आरोप तुम पर आ जाएगा। और अच्छाई शर्मिंदा हो जाएगी। ये तो नहीं होना चाहिए, बुराई से लेकिन मेरे कारण कोई प्यासा मर जाए, ये तो शौर्य और बालवीर को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मरने तक का इंतजार करोगे क्या? हाँ ठीक है ठीक है, मैं पिलाता हूँ पानी तुम्हें, तुम रुको यही। अरे तुम तो यही रुके हो, फिर भी रुको। हाँ सीधा साधा बोला वाला फंस गया मेरे जाल में। अब ये खुद जाकर वो हथियार मेरे लिए लाएगा, जिसकी मदद से मैं यहां से भाग जाऊंगा। आ आ हेलो हेलो माय फुट। ओके हेलो योर फुट। यू तुमसे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे वाह, कितना अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, मैं तो बहुत हैप्पी हो गया। यू मी
अच्छा अब ये भी बता दो कि तुमने डिसीजन क्यों लिया था कि मुझे भगवान से पूछना ना पड़े कि मैंने क्या इतने अच्छे कर्म किए कि अनन्या ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम बताते हो क्या सारी बातें मुझे? अब ठीक है मत बताओ। रुको, देखा तुम्हें तो मेरी कोई कैरी नहीं है, कैसे फ्रेंड हो तुम? अरे कभी कहती हो कुछ बताते नहीं हो, कभी कहती हो कुछ पूछते नहीं हो, चाहिए क्या तुम्हें? सॉरी। सॉरी? अच्छा इतनी सी बात है? अरे तो बोल दो ना सॉरी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बोला ओह दिल बड़ा है तुम्हारा, दिल बड़ा है तुम्हारा, गलती तुम्हारी है और सॉरी मैं बोलूं, हर टाइम गलती तुम करते रहो और सॉरी मैं बोलूं, मैं क्यों बोलूंगी सॉरी? बोलो विवान। अरे विवान समझाओ अपनी बहन को। विवान तुम ये धरो, तुम ही बताओ इसे ये कैसा फ्रेंड है। दीदी मेरे तो भैया है, मैं कैसे बताऊं? मैं बताती हूँ कैसा फ्रेंड है ये, बहुत ही ज्यादा बुरा फ्रेंड है ये। इसने मुझसे ये छुपाया कि यही बालवीर है। नकाबपोश ये है, ये भी छुपाया इसने मुझसे, और बोलता है कि मैं इसे सॉरी बोलूं। अब तुम ही बताओ इसने गलत किया कि नहीं? ये सब तुम्हें कैसे पता? विवान एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इसकी याददाश्त नहीं मिटाई? अरे भैया ओ हेलो, गलती तुम्हारी है तो तुम विवान को क्यों डांट रहे हो? अरे क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो माँ के कान खींचने से समझ जाएगा। भैया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, समझता तो मैं माँ के कान खींचने के बाद भी नहीं हूँ। और दीदी एक सेकंड ना भैया, दीदी एक सेकंड, दीदी मैंने आपको सब समझाया था ना कि देवू भैया से प्यार से बात करना, लेकिन हाँ प्यार से बात नहीं कर सकती थी क्या देवू भैया से? देखा गलती तुम्हारी है और ये मुझे डांट रहा है। अरे विवान रन्या को डांटने से क्या फायदा, गलती तुम्हारी है ना। भैया मैं दीदी मैंने आपको कब डांटा? हाँ अब देखिए सारा ब्लेम मुझ पे आ रहा है। देखा मिस्टेक तुम्हारी है और ये मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं डांट रही हूँ। अरे लेकिन ब्लेम तो तुम मुझे कर रही हो और गलती तो सच में इसकी है। भैया मेरी क्या गलती इसमें? अरे विवान देखो इसलिए मैं तुम्हें हमेशा छोटा बच्चा कहता रहता हूँ, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अरे भैया फिर छोटा बच्चा, गलती आपने नहीं होती क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं याददाश्त मिटा चुका होता, ऐसा कैसे चलेगा? अरे भैया तुम दोनों ना टॉपिक चेंज मत करो, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, और अब मैं तभी मानूंगी जब मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा, वरना तुम मेरे फ्रेंड नहीं और तुम मेरे भाई नहीं। अब आई मीन तुम मेरे भाई नहीं और तुम मेरे दोस्त नहीं। समझ नहीं आ रहा है ये शक्तियां वापस आने पे खुश है या फिर गुस्सा। नहीं, लग रहा है ये गुस्सा है। सुंदरी जी मुझे इस रे से बचाइए। तुम काम की बात करोगे या फिर? हाँ काम की बात ये है कि दरअसल मुझसे एक अनजाने में छोटी सी गलती हो गई थी। गलती? कैसी गलती? वो जो शातिर और चालाक देवू है ना, उसने मुझे बहला फुसला कर मुझसे लैंडमाइन डिटेक्टर के बारे में पता कर लिया था। रे रे अरे क्या रे रे अरे रुक जा मेरी माँ। रे अरे Ready?
बेबस मैंने आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया। आज मैंने खुद को बचाने के लिए मिस्टर बी को सैक्रिफाइस कर दिया। He made me. उन्होंने मुझे कवक से बाहर निकाला। मैंने आज उन्हें बलवीर के हाथों जाने दिया। रे, ये क्या रे? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज मेरी गलती होगी। अगर मैंने मिस्टर बी को रेस्क्यू नहीं किया तो। हा? रुको रे। रे अगर बंबाल श्री यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है बर्बा। रे ठीक है जाओ, पर उससे पहले तुम्हें वीर लोक के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हें बंबाल श्री को वापस शिंकाई लाना है तो तुम्हें सोच समझ कर योजना बनानी होगी, तभी तुम्हारा वहां जाना सफल होगा। रे ओके, अब मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर प्लान। आ रहा हूं मैं मिस्टर बी आपको बचाने और वीर लोक में तूफान लाने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.